यूपी में पिछले 10 साल से हम जो देख रहे हैं, 15 साल से देख रहे हैं, हम यूपी को बचपन से देख रहे हैं, आज भी यूपी में हम यूपी को बहुत बड़े रूप में पेश करते हैं, लेकिन 50 जब हम बाहर जाते हैं तो 50 साल हम पीछे देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, एक हमारा है परिवार और एक है व्यापार। जिंदगी भर अभिनय करूँगा, इससे भी ज़्यादा कॉमेडी करूँगा, इससे भी ज़्यादा सीरियस रोल करूँगा, लेकिन हर आदमी चाहे उद्योगपति हो चाहे क्रिकेट हो, हर आदमी सेवा के लिए कुछ ना कुछ काम करता है। तो परिवार और व्यापार के बाद में एक हमारे लिए जिंदगी का मिशन है, वो प्रचार। और प्रचार हम इस संगठन का जिंदगी भर प्रचार करने का जिम्मा हम लेते हैं, जिसमें प्रदेश हित और देश हित छिपा। चुनाव का मुद्दा क्या होगा? हमारे चुनाव का मुद्दा होगा कि हम सब कम से कम एक दूसरे से प्यार के साथ रहे तो लें। हम निर्माण में बिलीव करते हैं और निर्माण में असली प्राण होता है, और निर्माण हमारा नहीं है। हम सब पेड़ के ऊपर की बात करते हैं, लेकिन जड़ हमारी बहुत मजबूत नहीं है, इस बात को आप भी जानते हो, हम जानते हैं। निर्माण के माध्यम से यूपी के पहले जड़ों को मजबूत करना है, सर्व संभाव का माहौल लाना है, चाहे किसी की भी सरकार हो लेकिन भयमुक्त प्रदेश हो। इसकी सरकार बनती है तो दूसरे लोग डरने लगते हैं, उसकी सरकार बनती है तो दूसरे लोग डरने लगते हैं। सरकार का काम है प्रदेशवासियों को अच्छे से आपको भयमुक्त तरीके से रखना, जिसमें राम राज्य की बात करते हैं, अमन चैन की बात करते हैं। क्या कारण है? उत्तर प्रदेश इतनी एनर्जी वाला प्रदेश है लेकिन इसमें कोई अमन चैन नहीं है। बाहर आप हमारे साथ चलिए, हम आपको वहाँ से दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश हम कहाँ पे खड़े हैं। अब आज होल वर्ल्ड बिकेम स्मॉल विलेज, आज एवरीबडी नोज एवरीथिंग। क्यों इतनी उत्तर प्रदेश की दुर्दशा हुई है? हम कल शाम तक जो लोगों ने उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए, जिन नेताओं ने, जिन पार्टियों ने जो कुछ भी किया, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और सब किसी की निंदा किए बगैर जो अपनों उनके खून पसीने की जो परिश्रम है उसको प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने अपने अपने तरीके से प्रदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन आज से हम लोग सब मिलके कुछ ऐसा करें कि हमारी भी सेवा जुड़े और जो भी हो प्रदेश हित में कुछ और अच्छा हो जाए। कल की छोड़ो, आगे की बात करें। गठबंधन करेंगे? सर्व संभाव पार्टी की पहले नीति और नियति तो पता लग जाए। गठबंधन तो बहुत बात की चीजें हैं, अपनी स्क्रिप्ट पता ना हो और चार स्क्रिप्टें मिला लो उससे कोई फायदा नहीं है। राजपाल जी, एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ। अभिनेता अभिनेत्री जो भी होते हैं उनके जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, आपके में भी आए जो आरोप लगे 5 करोड़ रुपए जी की धोखाधड़ी के, उस पर आप क्या कहना चाहते? ये पूरे अदालत में मामला चल रहा है, अदालत के हर निर्णय को मैं तहे दिल से स्वीकार करता हूँ। 5 करोड़ जिसके लगे हैं वो आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वो एक हमारे शाहजहांपुर की साजिश है, जिसने हमारे 17 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए हैं। हमारी एक छदाम वापस नहीं आई है। वो 5, उसमें 3 इल्ज़ाम थे कि हमने फ्रॉड किया, या हमने लोन लिया, या हमने इन्वेस्टमेंट किया। हम खुद ही इस बात के इंतज़ार में हैं कि एक बार हमें ये पता लग जाए, 3 कामों में एक ही हो सकता है, या तो फ्रॉड हो सकता है, या धोखाधड़ी वो मतलब लोन हो सकता है, या इन्वेस्टमेंट हो सकता है। मुझे तो मालूम है कि क्योंकि सिनेमा बगैर इन्वेस्टमेंट चलता नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट था। लेकिन हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं, हम खुद ही इंतज़ार कर रहे हैं ताकि बाहर आके बता सकें हम कि ये लोन नहीं था, ये फ्रॉडगिरी नहीं थी। एक सिनेमा बना था जिसमें 22 करोड़ रुपए लगे, उसमें 5 करोड़ इसके लगे और 17 करोड़ रुपए हमारे लगे। लेकिन इस 5 करोड़ के चक्कर में हमारे 17 करोड़ की एक छदाम वापस नहीं लौटी है। वो हमें अभी प्रूव करने की, हम जैसे अदालत के फैसले के बाद में हम इसको प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम 30 साल से पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, 7 समंदर हमने 27 बार घूम लिए। लेकिन सुनिए, पहले कम्प्लीट हो, 7 समंदर 27 बार घूम चुके हैं और आज तक किसी ने उंगली न चरित्र पे उठाई है और न कर्म पे उठाई है। तो ऐसा क्या हो गया जिस आदमी का हजारों करोड़ों का नाम है, वो आदमी 5 करोड़ के चक्कर में अपना नाम तहस नहस कर ले? इस बात का प्रश्न मेरे भी मन में चल रहा है और इसका उत्तर मैं लेके ही रहूंगा। राजपाल, एक सवाल ये है, राजपाल एक सवाल ये है, ड्रामेबाज के लिए, पूरा मामला राजनीतिक और नहीं, हम तो ड्रामेबाज के लिए आए थे, हम ड्रामेबाज लेकिन हम रियलिटी और ड्रामा दोनों को अलग अलग रखते हैं। हमसे आप ड्रामे का क्वेश्चन करेंगे, हम ड्रामे की बात करें, हमसे राजनीतिक क्वेश्चन करें, हम राजनीतिक बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि राज्यपाल की अब 2 पटरियाँ हैं, एक अभिनीति, दूसरी राजनीति। पहला जो आपका पेशा जिसके लिए आपको जानते हैं, आपके प्रशंसक, आपके समर्थक आपको जानते हैं खास अभिनेता के रूप में जी,
राजनीति एक गंभीर चीज है, आप जानते हैं, उसमें हास्य की कोई जगह नहीं है। लालू का अपना स्टाइल, उसको छोड़ दिया जाए तो आपको ये एक सवाल पूछो, यदि जो पेड़ से लेकर